सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 9 दिसंबर को संत पीटर फॉरियर का पर्व मनाती है। उनका जन्म 30 नवंबर 1565 ईस्वी में फ्रांस के लोरेन शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जेजुएट यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। 1585 ईस्वी में वे संत अगस्टिन के कैनन रेगुलर बने। 1589 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ और 1595 में उन्होंने चर्च धर्मशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। अपने पुरोहित श्रम के लिए उन्होंने मटेनकोट के छोटे से नगर को चुना, जो कि सबसे गरीब और सबसे भ्रष्ट था। वहां पर उन्हें बहुत सी परेशानियों और विरोध का सामना भी करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और थोड़े ही सालों में उनके वैराग्य और भक्ति भाव भरे जीवन को देखते हुए वहां के लोगों के जीवन में सुधार आने लगा। उन्होंने पुरुषों के लिए संत सबास्टियन के नाम से एक संघ की शुरुआत की और महिलाओं के लिए एक रोजरी सोसाइटी की, युवा लड़कियों के लिए इमैकुलेट कंसेप्शन सोसाइटी की स्थापना की। 1597 ईस्वी में उन्होंने धन्य एलेक्स ली क्लर्क के सहयोग से गरीब युवतियों की पढ़ाई के लिए भी एक समाज की स्थापना की थी, क्योंकि उनका मानना था कि एक अशिक्षित युवक की बजाय एक अशिक्षित युवती से समाज को ज्यादा खतरा है। 1616 ईस्वी में इस समाज को पैपल से मान्यता प्राप्त हो गई थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय इस संस्था में 4000 धर्म बहने थीं। 1632 ईस्वी में वे इस संस्था के सुपीरियर जनरल बने थे। 9 दिसंबर 1640 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। 1730 ईस्वी में उन्हें धन्य घोषित किया गया था और 1897 ईस्वी में संत पिता लियो 13वें ने उन्हें संत घोषित किया था। आइए आज हम भी संत पीटर फॉरियर के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी उनके जैसा उत्साह और भक्ति भाव वाला जीवन व्यतीत करने में हमारा मार्गदर्शन करें।